महारानी कल्याणी महाविद्यालय में हुआ अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। जी हां, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का महारानी कल्याणी महाविद्यालय में दिनांक 28/11/2021 से 1/12/2021 तक आयोजन होना तय हुआ है। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत तथा संबंध महाविद्यालयों की प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। जानते हैं कि आज हमारे महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आरंभ हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन मोहन झा जी सर थे, जो कि MLC हैं। उसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर AN झा, जो कि प्रॉक्टर प्लस स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हैं, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरविंद अमृत कुमार झा सर हैं, जिन्होंने अपने कीमती वक्त को निकाला और इस खेल आयोजन में अपनी सहभागिता दिखाई। इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय ने कबड्डी टूर्नामेंट, जिसमें आपको 14 महाविद्यालय सम्मिलित हुए हैं, और उस 14 महाविद्यालय का आज से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको 1 तारीख को इसका क्लोजिंग सेरेमनी। मदन मोहन झा आए थे क्या? हाँ आए थे। हाँ, मदन मोहन झा सर आए थे, डॉक्टर AN झा सर आए थे, श्री अमृत कुमार झा सर आए थे, और कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी सर। जिस तरह से खेल कबड्डी का खेल जो विलुप्त हो रहा है हमारे इंडिया में, राष्ट्रीय खेल माना जाता है कबड्डी का, आप किस तरह से मानते हैं जिसका आप आयोजन किया है? देखिए, कबड्डी हमारे इंडिया से विलुप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया में खेला जाने वाला खेल है। आपको ये पता होगा कि विगत कई वर्षों से जो भी कबड्डी का वर्ल्ड कप है वो हिंदुस्तान ही जीतता आया है। और अगर आपने ये कार्यक्रम देखा होगा तो हमारे कॉलेज में मौजूद जो स्पोर्ट्स सेलेक्टर्स थे, जो कि LMU द्वारा पदस्थापित थे, वो भी कबड्डी से ही रेलवे में पदस्थापित हुए हैं। तो ये कबड्डी कभी भी ये बहुत ही मतलब सात प्लेयर की का ये गेम होता है, दोनों टीम में सात प्लेयर होते हैं, और ये जितनी टीम को बांटने की क्षमता इस खेल में है उतनी किसी और खेल में नहीं है। और एक सांस में, यहाँ सांस की लयबद्धता को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक सांस में जो है आपका रेडर जो होता है वो जाता है दूसरे के कोर्ट में, और जितने डिफेंडर्स को होता है वो छू करके और फिर अपनी टीम में वापस आने की कोशिश होती है। अगर उसको डिफेंडर्स पकड़ लेते हैं तो क्या होता है कि वो आउट हो जाता है। इस पूरी ये जो पूरा खेल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टीम स्पिरिट की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इस खेल का आयोजन किया गया है ताकि हमारे जो छात्र हैं उनको जीतना आ सके, उनको जुझारूपन को वो सीख सके। जीवन जो है वो हर दिन हार और जीत है, तो खेल कबड्डी जो है वो आपको हारना सिखाता है और जीत को कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाता है। तो इसका फाइनल कब खेला जाएगा? फाइनल आज जो है गर्ल्स का आज ही होगा, और ये चूंकि 4 दिन का प्रोग्राम है और इसमें बहुत सारे टीम्स आई हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग कैटेगरी है, तो वो आपको फाइनल जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो 1 दिसंबर। क्या आप इसमें क्या है इसका आयोजक कौन है इसका खेल का जो होता है? ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका। अपना परिचय? डॉक्टर गीतांजलि चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म।